एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के नाम पर आरोपी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से 1,00,000 रुपए की ठगी की। इस मामले में सीतामढ़ी पुलिस ने सुनील प्रहलाद नागपुरी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। वे अभिनव कॉलोनी यवतमाल के निवासी है। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी के कार्यालय पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम नरेंद्र लक्ष्मण इंगले है। वह गुलमोहर अपार्टमेंट टेका नाका का निवासी है। सीतामढ़ी के हनुमान गली में नरेंद्र का वर्ल्ड ग्रुप ऑफ सर्विसेज नामक एक कार्यालय है। यहाँ उसने एमबीबीएस में दाखिले के लिए काउंसलिंग की। सुनील की बेटी एमबीबीएस में प्रवेश चाहती थी, इसलिए उसने नरेंद्र से संपर्क किया। नरेंद्र ने शुक्रवार को फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया। नरेंद्र ने सुनील को पुणे स्थित सिम्बायोसिस कॉलेज और वर्धा स्थित सावंगी मेघे मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे के जरिए दाखिला दिलाने का आश्वासन दिया। कहा कि उन्हें शुल्क के साथ साथ 10,00,000 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। शनिवार को उसने फिर से सुनील को फोन किया। प्रवेश पाने हेतु जल्द से जल्द फीस भरने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मेघे कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने की बात कहकर 1,00,000 रुपए एडवांस ले लिए। सुनील ने पूछताछ की तो पता चला कि मेघे कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया बंद है। उन्होंने तुरंत सीतामढ़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें जो फिरियादी है, फिरियादी की लड़की 12th पास हो गई और उसने नीट का एग्जाम दिया था, उसको MBBS में एडमिशन चाहिए था। उन्होंने इंक्वायरी किया तो यहाँ पे जो आरोपी है नरेंद्र इंगले, जिसका ऑफिस सीतामढ़ी में है, वो कंसल्टेंसी का काम करता है एडमिशन के लिए। उसको उनसे कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट होने के बाद में उसने मेडिकल एडमिशन के लिए पूना या वर्धा में एडमिशन करा के देता हूँ मैनेजमेंट कोटा में से, ऐसा उनको प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने के बाद में एडमिशन के लिए कुछ कैश पैसे देने पड़ेंगे, तो 10,00,000 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा उनको बोला और एडमिशन दिला के देता हूँ। फिर उसके बाद में 1,00,000 रुपए एडवांस उसने ले लिए। तभी फिरियादी को डाउट आया था कि ये चीटिंग का प्रकार है, इसके लिए फिरियादी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, तो क्राइम ब्रांच के पुलिस वालों ने उसको दर्द पहुँचा है। उसके बारे में हमने गुनाह दाखिल किया है 420 का। आरोपी अरेस्ट है, कस्टडी है। उसने और किसी कितने लोगों को चीटिंग किया है उसके बारे में तपास चालू है। आरोपी का नाम नरेंद्र इंगले का, ये रहने वाला पाचपावली का है, लेकिन उसका ऑफिस जो है हनुमान गली सीतामढ़ी में है। आगे का कानूनी कार्रवाई, जो भी कायदेशीर कार्रवाई है वो चालू है। अभी रिमांड मिला है, उसमें इंक्वायरी चालू है हमारा। पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस और पुलिस निरीक्षक अमोल कचोरे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक विजय निमाड़े, प्रवीण राउत, सहायक पुलिस निरीक्षक शंकर कुड़ापे, गणेश जोगेकर, रमन खैरे और प्रशांत भोयर ने जल्द नरेंद्र के कार्यालय पर छापा मारा। नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही सुनील के दिए हुए पैसे और कार्यालय में पाए गए कंप्यूटर, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त कर लिए गए। रविवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 2 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।